السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم आज हम सूरह आले इमरान कुरान करीम की आयत सूरत नंबर 3 पढ़ेंगे। पहले उसका तारफ करेंगे और फिर आयात से शुरू करेंगे। सूरह आले इमरान मदनी है और इसमें 200 आयात और 20 रुकू हैं। ये सूरत मदनी है, इसकी तमाम आयतें मुख्तलिफ औकात में हिजरत के बाद उतरी हैं और इसका इब्तदाई हिस्सा यानी 83 आयात तक ईसाइयों के वफद नजरान के बारे में नाजिल हुआ है, जो 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। ईसाइयों ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ईसाई इकायद और इस्लाम के बारे में मुजाकरा और मुबाहसा किया, जिसका रद्द करते हुए इन्हें दावत मुबाहला दी गई, जिसकी तफसील आगे आएगी। इसी पस मंजर में कुरान करीम की इन आयात का मुताला किया जाए। सैयदना अबू उमामा पहली रज़ियल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जगमगाने वाली सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि वो दोनों क़यामत के दिन ऐसी हालत में आएंगी गोया वो दो बादल हों या दो साहिबान या सफ बांधे परिंदों की दो टुकड़ियां हों, वो अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। सैयदना नवास बिन समान रज़ियल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान और उन कुरान वालों को जो इस पर अमल करते थे लाया जाएगा, तो सूरह बकरा और सूरह आले इमरान कुरान मजीद के आगे आगे होंगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो सूरतों की 3-3 मिसालें बयान की कि इन मिसालों को अब तक नहीं भूला। हजरत नवास बिन समान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं इन मिसालों को अब तक नहीं भूला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया वो दो बादल हैं या दो साहिबान जिनके दरमियान खूब रोशनी हो रही है, या वो कितार बांधे हुए परिंदों की दो टुकड़ियां। ये सूरतें अपने असहाब की तरफ से झगड़ा करेंगी, इसलिए सूरह आले इमरान और सूरह बकरा के पढ़ने की हदीस में ताकीद आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 1 अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्यात हैं। इनके बारे में अल्लाह ताला ने अपने नबी को इल्म नहीं दिया, क्योंकि ऐसी कोई कुरान की आयत नहीं या ऐसी कोई कुरान की बात छुपी हुई नहीं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को ना बताई हो। हरूफ मुकत्यात का अल्लाह ताला ने इल्म अपने नबी को भी नहीं दिया।
तो इसलिए हम लोगों को इस मुशक्कत में नहीं पढ़ना चाहिए कि इन अलिफ लाम मीम के माना क्या है या इसका मतलब या तफसीर क्या है। आयत नंबर 2, अल्लाह अल्लाह ताला ला इलाहा नहीं कोई मबूद इल्ला सवाए हो वल हयुल कयूम उसी के होवा उसी के वल हयु हमेशा जिंदा कयूम सबको संभालने वाला है। हयून और कयूम अल्लाह ताला की खास सफात हैं। हई का मतलब वो अजल से है और अबद तक रहेगा, उसे मौत और फना नहीं। कयूम का मतलब सारी कायनात का कायम करने वाला, मुहाफिज और निगरान। सारी कायनात उसकी मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह या इब्ने अल्लाह या तीन में से एक मानते थे। गोया उनसे कहा जा रहा है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, वो माँ के पेट से पैदा हुए और उनका जमाना विलादत भी तख्लीक के कायनात से बहुत अरसे बाद का है, तो फिर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा किस तरह हो सकते हैं। अगर तुम्हारा अकीदा सही होता तो इन्हें मखलूक के बजाय अलवही सफात का हामिल और कदीम होना चाहिए था, नीस उन पर मौत भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक वक्त आएगा कि वो मौत से भी हमकनार होंगे और ईसाइयों के बकौल हमकनार हो चुके। अहादीस में आता है कि तीन आयतों में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है जिसके ज़रिए से दुआ की जाए तो वो रद्द नहीं होती। एक यही आले इमरान की आयत, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम है। दूसरी दूसरी आयत आयतल कुर्सी में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। तीसरी सूरह ताहा में वआनातिल वुजूहु लिल हय्युल कय्यूम। इब्ने कसीर तफसीर आयतल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा इरशाद फरमाया इन्नमल्लाहु इलाहुम वाहिद सूरत अन्निसा में, अल्लाह ताला तो सिर्फ एक ही माबूद है। और फरमाया आइन्नकुम ला तशहदूना अन्नमा अल्लाहि आलिहातन उखरा कुल्ला अशहदु कुल इन्नमा हुवा इलाहुम वाहिद वा इन्नानी बरियुम मिम्मा तुशरिकून सूरह अल इनाम में, क्या बेशक तुम वाकई गवाही देते हो कि बेशक अल्लाह ताला के साथ कुछ और भी माबूद हैं। कह दे मैं ये गवाही नहीं देता। कह दे वो तो सिर्फ एक ही माबूद है और बेशक मैं इससे बरी हूँ जो तुम शरीक ठहराते हो। अल हय्युल कय्यूम हई और कयूमन अल्लाह ताला की खास सफात हैं। हई उनका मतलब कि वो अजल से है और अबद तक रहेगा, उसे मौत और फना नहीं। कयूम का मतलब है कि वो सारी कायनात का कायम करने वाला, मुहाफ़िज़ निगरान। सारी कायनात उसकी मोहताज और वो किसी का मोहताज नहीं। इरशाद बारी ताला है वतवक्कल अलल हय्युल लज़ी ला यमूतु सूरह अल फुरकान में, और उस जिंदा पर भरोसा कर जो नहीं मरेगा। सैयदना इमरान बिन हसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے اعوذ بعزتی کا الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ طلب کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو وہ ہے کہ جس کو موت نہیں آتی جبکہ جنات اور انسان تو مرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 3، نزلہ اس نے نازل کی علیک الکتاب آپ پر کتاب بالحق کی حق کے ساتھ مصدق لما تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو بین یدیہ اس سے پہلے تھی وانزل التوراۃ اور اس نے نازل کی تورات والانجیل اور انجیل۔ جہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور بالحق سے اس کے سچا اور منزل من اللہ ہونے پر دلالت ہے، اور اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں جو خبریں اور بشارتیں مذکور ہیں اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں۔ ایک خبر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجے گا، اور بشارت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن نازل فرمائے گا۔ تورات وہ کتاب ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل وہ کتاب ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ اس وقت یہ دونوں کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، یہود و نصارہ نے ان کو بڑی حد تک بدل ڈالا ہے اور ان میں بہت سی تشریحات اپنی طرف سے ملا کر غلط ملت کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذی انزل الیک من ربک الحق سورۃ الرعد میں، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ سورۃ المائدہ میں، اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے ہے۔ آیت نمبر 4، من قبل اس سے پہلے ہود للناس لوگوں کے لیے ہدایت وانزل الفرقان اور اس نے نازل کیا فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا، ان الذین بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفارو کفر کیا بِآیاتِ اللہِ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ لہم ان کے لیے عذاب ان عذاب ہے شدید ان انتہائی سخت، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز ان خوب غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔
इससे पहले अंबिया पर जो किताबें नाजिल हुई ये किताब इसकी तस्दीक करती है, यानी जो बातें उनमें दर्ज थी उनकी सदाकत और उनमें बयान करदा पेशगोइयों का इतराफ़ करती है, जिसके साफ माना ये हैं कि ये कुरान करीम भी इसी ज़ात का नाजिल करदा है जिसने पहले बहुत सी किताबें नाजिल फरमाई। अगर ये किसी और की तरफ से या इंसानी कावशों का नतीजा होता तो उनमें बाहम मुताबकत के बजाय मुखालफत होती। यानी अपने अपने वक्त में तौरात और इंजील भी यकीनन लोगों की हदायत का जरिया थी, इसलिए कि इनके उतारने का मकसद ही यही था। ताहम उसके बाद अनजल फुरकान दोबारा कहकर वजाहत फरमा दी कि मगर अब तौरात और अंजील का दौर ख़त्म हो गया, अब कुरान नाजिल हो चुका है, वो फुरकान है और अब सिर्फ हक़ो बातिल की पहचान है। इसको सच्चा माने बगैर इंदल्ला कोई मुसलमान और मोमिन नहीं। यानी अपने अपने वक्त में तौरात और अंजील भी यकीनन लोगों की हदायत का जरिया थी, इसलिए कि इनके उतारने का मकसद ही यही था। ताहम इसके बाद वह अनजल फुरकान दोबारा कहकर वजाहत फरमा दी कि अब तौरात और अंजील का दौर ख़त्म हो चुका है, अब कुरान करीम नाजिल हो चुका है, वो फुरकान है और अब सिर्फ वही हक व बातिल की पहचान है। इसको सच्चा माने बगैर इंदल्ला कोई मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतेकाम इरशाद फरमाया इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून सूरह सजदा में यकीनन हम मुजरमों से इंतकाम लेने वाले हैं। और फरमाया फला तहसबन्नल्लाहा मुखलिफा वअदिही रसूलहु इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन ज़ुंतेकाम सूरह इब्राहिम में पस तो हरगिज गुमान ना कर कि अल्लाह अपने रसूलों से अपने वादे के खिलाफ करने वाला है, यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब बदला लेने वाला है। आयत नंबर 5। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला ला यख्फा नहीं है मुख्फी अलैहि उस पर शैउन कोई चीज़ फिल अर्ज़ ज़मीन में वला फिस्समा और ना आसमान में। अल्लाह ताला मर्द और औरत खूबसूरत और इस आयत में इरशाद फरमाया وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَاتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ سورہ الانعام میں۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसे जानता है, और ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना नहीं और ना कोई तर है और ना खुश्क मगर वो एक वाज़े किताब में है। आयत नंबर 6। हो वल्लाजी वही है जो युसवी रुकुम सूरतें बनाता है तुम्हारी फिल अरहामी रहमों में कैफा जिस तरह यशाउ वो चाहता है ला इलाहा नहीं कोई मबूद इल्ला मगर हो वा वही हुवल अजीजुल हकीम नहायत गालिब खूब हिकमत वाला है।
अल्लाह ताला मर्द और औरत, खूबसूरत और बदसूरत और नेको बदबख्त जैसे चाहता है बनाता है, रहमे मादर में पैदा करता है। और ये इशारा है उस तरफ के ईसा अलैहिस्सलाम दीगर तमाम इंसानों की तरह अल्लाह ताला के एक बरगजीदा बंदे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें भी मरियम अलैहिस्सलाम के रहम में जैसा चाहा बनाया, तो फिर वो अल्लाह कैसे हो सकते हैं, जैसा कि नसारा का बातिल अकीदा है। मुज़क्कर या मुअन्नस, नेक बदबख्त, नाकिसुल खलकत या तामुल खलकत, जब रहमे मादर में ये सारे तसर्रुफात सिर्फ अल्लाह ताला ही करने वाला है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इलाह किस तरह हो सकते हैं, जो खुद भी इसी मरहला तखलीक से गुजर कर दुनिया में आए हैं, जिसका सिलसिला अल्लाह ताला ने रहमे मादर में कायम फरमाया। आयत नंबर 7। हो वल्लाजी, वही है जिसने अनसला नाजिल की अलैका आप पर, अलैकल किताब आप पर किताब, मिन्हु आयातुन उसकी बास आयतें, मुहकमातुन मुहकम वाजे हैं, हुन्ना वही हैं, उम्मुल किताब असल किताब, व अखारो और कुछ दूसरी, मुताशाबिहातुन मुताशाबा गैर वाजे हैं, फअम्मल्लज़ीना पस लेकिन वो लोग के, फी कुलूबिहिम इनके दिलों में, ज़ैगुन कजी है, फयत्ताबेऊना तो वो पीछे लगते हैं, मा इन आयतों के जो तशाबा मुताशाबा हैं, मिन हुब्तिगा उनमें से तलाश करने के लिए, अल फितना ती फितना वब्तिगा और तलाश करने के लिए, तावीले ही इनकी तावील, वमा यअलमु हालांकि नहीं जानता, तअवीलहु उनकी तावील कोई भी, इल्ला सिवाय अल्लाहु अल्लाह ताला के, वर्रासिखूना और वो लोग जो पुख्ता हैं, फिल इल्मे इल्म में, यकूलूना वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिही इस पर, कुल्लुन ये सब, मिन इंदी रब्बीना हमारे रब की तरफ से है, वमा ये जक्कारू और नहीं नसीहत हासिल करते, ला मगर उलुल अलबाब अकलमंद ही। मुहकमातुन से मुराद वो आयात हैं जिनमें अवामर नवाही, अहकाम मसाइल और कसस हकायात हैं, जिनका मफहूम वाज़े और अटल है, उनके समझने में किसी को अश्काल पेश नहीं आता। उसके बरअक्स आयात मुतशाबहात हैं जिनका मफहूम समझने में अक्सर लोगों को इश्तबाह हो जाता है, या उनमें तावील की गुंजाइश निकल सकती है, जिनमें ऐसे हकायक का बयान है कि इन पर मुजम्मल तौर पर ईमान लाना तो ज़रूरी है, लेकिन इनकी तफसीलात को जानना ना इंसान के लिए ज़रूरी है और ना अकली इस्तदाद के साथ मुमकिन है,
जैसे हरूफ़ मुकतियात मरने के बाद बरज़खी और उखरवी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ कैफियात वगैरह, इसलिए आगे कहा जा रहा है कि जिनके दिलों में कजी होती है वो आयात मुताशाबहात के पीछे पड़े रहते हैं और उनके ज़रिए से फितना बरपा करते हैं, जैसे नसरानी हैं। कुरान ने सैदना ईसा अलैहिस्सलाम को अब्दुल्ला और नबी कहा, जो वाज़े और मुहकम बात है, लेकिन नसरानी उसे छोड़कर कुरान करीम में ईसा अलैहिस्सलाम को जो रूहुल्लाह और कलमातुल्लाह कहा गया है उससे अपने गुमराह कुन अकायद पर गलत इस्तदलाल करते हैं। इसके बरक्स सही अकीदा मुसलमान मुहकमात पर अमल करता है और मुतशाबहात के मफहूम को भी अगर इसमें इश्तबा हो मुहकमात की रोशनी में समझने की कोशिश करता है, क्योंकि कुरान ने उन्हीं को असलुल किताब करार दिया है जिससे वो फितने से भी महफूज रहता है और अकायद की गुमराही से भी। यही हाल अहले बिदत का है। कुरान के वाज़े अकायद के बरक्स अहले बिदत ने जो गलत अकायद गढ़ रखे हैं वो इन्हीं मुतशाबिहात को बुनियाद बनाते हैं और बसा औकात मुहकमात उनको भी अपने फलसफाना इस्तदलाल के गो रख धंधे से मुतशाबहात बना देते हैं। आज़ानल्लाहु मिन्हु, उनके बरक्स सही अल अकीदा मुसलमान मुहकमात पर अमल करता है और मुतशाबिहात के मफहूम को भी अगर इसमें इश्तबा हो मुहकमात की रोशनी में समझने की कोशिश करता है। हो वल्लाज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब, इस किताब में बाज़ मुहकम आयात हैं वो आयतें ही किताब इलाही की असल हैं और तख्लीके कायनात का असल मकसद है। उनको समझना और उन पर अमल करना आसान है। इरशादे बारी ताला है, वलकद यस्सरनल कुरआना लिज़िक्री फहल मिन मुद्दाकिर, सूरत अल-कमर में। और बिला शुबा यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो क्या कोई है कोई नसीहत हासिल करने वाला। और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल्लाहु इवजा, सूरत अल-काफ़ में। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई कजी ना रखी। और फरमाया, कुरआनन अरबियन गैरा ज़ी इवज, सूरत अज़ुमर में। वाज़े कुरान जिसमें कोई कजी नहीं। فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کا مشغلہ ہی محض فتنہ جوئی ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، چونکہ اس میں کئی احتمال ہوتے ہیں اس لیے وہ ان آیات سے وہ معنی نکالتے ہیں جو قرآن کی صریح اور محکم آیات کے خلاف ہوتے ہیں۔ فتنے اور اپنے خیال میں اس کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ہو واللذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ سورہ آل عمران۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید کی متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے مذمت کے پیرے میں نام لیا ہے، لہٰذا تم ان سے بچ جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں جگڑنا کفر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جو متشابہ ہے اس پر جوں کا توں ایمان رکھا جائے اور تفصیلات سے بحث نہ کی جائے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تَأْوِيل سے مراد تفسیر اور بیان ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التعویل، اے اللہ انہیں دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ تعویل کا علم راسخ فی العلم لوگوں ہی کو ہوتا ہے۔ تعویل کے ایک معنی تو یہ ہیں کسی چیز کی اصل حقیقت اس معنی کے اعتبار سے اللہ پر وقف ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تعویل کے دوسرا معنی ہے کسی چیز کی تفسیر و تعبیر اور بیان و توضیح اس اعتبار سے اللہ پر وقف کے بجائے والراسخون فی العلم پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر و توضیح کا علم رکھتے ہیں۔ تعویل کے یہ دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہیں۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔